अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। इस टॉपिक के अंदर आपकी बुक में जितनी भी फिज़िक्स की ब्रांचेज दी गई है वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली ब्रांच जिसका जिक्र है आपकी बुक में वो है मकैनिक्स। तो मकैनिक्स की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेशन इसकी पढ़ता हूँ। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मकैनिक्स फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स यानी चीज़ों की मोशन के बारे में पढ़ते हैं। और साथ में क्या बताया गया है, इट्स कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स, और उन ऑब्जेक्ट्स की मोशन की कॉजेज मतलब वजूहात के बारे में पढ़ते हैं, और उन मोशन से होने वाले असरात क्या होते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। ओवरऑल अगर ट्रांसलेट करूँ तो मकैनिक्स फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों की हरकत या मोशन के बारे में पढ़ते हैं, और वो मोशन क्यों हो रही है, क्या वजह है उस मोशन के पीछे, उन वजूहात को पढ़ते हैं, और साथ में उन मोशन से जो असर हो रहा होता है मुख्तलिफ चीज़ों पर उन इफ़ेक्ट्स या असरात को भी पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको एक फ़ुटबॉलर या एक लड़का नज़र आ रहा है जो कि इस फ़ुटबॉल को किक लगा रहा है। अब देखिए, ये फ़ुटबॉल इस वक्त रेस्ट हालत में मौजूद है, हरकत नहीं कर रही या मूव नहीं कर रही, लेकिन जैसे ये किक इस फुटबॉल को लगेगी तो ये फुटबॉल यहाँ से मूव करती हुई जाएगी और इस दीवार पर जाके हिट करेगी। तो अब अकॉर्डिंग टू मकैनिक्स या मकैनिक्स की वजह से हम मकैनिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि ये फुटबॉल यहाँ से यहाँ पर क्यों गई, ये भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं क्या वजह थी। ऑब्वियसली बात है किक लगी थी, लेकिन ऑब्वियसली तमाम जितनी भी वजूहात, सिर्फ फुटबॉल की बात नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर इंसान ज़मीन के ऊपर हरकत कर रहा है, गाड़ी रोड के ऊपर चल रही है, तो जितनी भी मोशंस हो रही हैं इनकी वजूहात तो है ना कोई मुख्तलिफ किस्म की, तो उन वजूहात को पढ़ते हैं। और ठीक इसी तरह ये फुटबॉल जब इधर से जाके इस दीवार पर लगेगी तो इस दीवार के ऊपर इस फुटबॉल का असर क्या होगा। इसी तरह गाड़ी रोड के ऊपर चल रही होती है तो उसके रोड के ऊपर असर क्या हो रहा होता है, या मुख्तलिफ चीज़ों पे असर क्या हो रहा होता है। आप ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं तो उससे असर क्या पैदा हो रहा होता है। तो ओवरऑल आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होगे कि चीज़ें हरकत क्यों करती हैं, कैसे करती हैं, और उनकी हरकत का असर किस किस चीज़ पर क्या पड़ता है। तो ये सब इस तरह की मालूमात जो है हम मोशन के बारे में मैकेनिक्स जो ब्रांच है फिज़िक्स की उसके अंदर पढ़ते हैं। तो आई होप मैकेनिक्स आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब हम अगली ब्रांच की बात करते हैं जो कि है हीट। हीट की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट। हीट फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम नेचर ऑफ हीट यानी हीट की नेचर के बारे में पढ़ते हैं। मूड्स ऑफ ट्रांसफ़र, मूड्स का मतलब क्या होता है, तरीके होते हैं कि हीट एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, वो भी इसके अंदर हम पढ़ते हैं। और इसके अलावा इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, मुख्तलिफ चीज़ों पर हीट का क्या असर होता है, वो भी इस ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं। तो ओवरऑल पता क्या चला हमें, पता ये चला कि हीट फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, जिसके अंदर आप ये पढ़ोगे कि हीट बेसिकली हीट की नेचर क्या है, हीट किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, और हीट का मुख्तलिफ बॉडीज़ के ऊपर क्या असर होता है। तो ये तो ट्रांसलेशन हो गई, आई होप समझ तो आपको आई होगी, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स पर बात करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर सबसे पहला सवाल आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि हीट किसे कहते हैं। तो बेसिकली हीट के बारे में मुख्तसरन बताऊँ तो हीट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होती है। मिसाल के तौर पर दो चीज़ें पड़ी हैं, एक ठंडी है और एक गर्म है, तो जैसी दोनों चीज़ों को आपस में मिलाओगे तो गर्म चीज़ जो है वो ठंडी चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता गर्म करना शुरू कर देगी। तो बेसिकली हीट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि नीचे आग जल रही है, ऊपर बर्तन है, तो बेसिकली ये आग जो है गर्म कर देगी बर्तन को और बर्तन के अंदर मौजूद चीज़ को। तो हीट क्या है, हीट एक एनर्जी की किस्म है जो कि चीज़ों को गर्म करती है, एक जगह से एक चीज़ से दूसरी चीज़ के अंदर दाखिल हो जाती है। तो आई होप हीट समझ में आ गई होगी आप लोगों को। दूसरा लफ्ज़ आप लोगों को इरिटेट कर रहा होगा, नेचर ऑफ हीट, ये क्या होता है। तो बेसिकली इस दुनिया में हर चीज़ की एक नेचर होती है। मिसाल के तौर पर आप एक पौधे को ज़मीन में दबा दें और आहिस्ता आहिस्ता जब वो उसकी नेचर क्या होगी, पौधा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू हो जाएगा और फिर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेगा, क्योंकि बढ़ना या ग्रो करना जो है पौधे की नेचर है। ठीक इसी तरह हवा की नेचर क्या होती है कि हवा जब चलती है तो मुख्तलिफ चीज़ों को साथ मूव करवाती है, हरकत करवाती है, ये उसकी नेचर है। इसी तरह हीट की भी नेचर होती है, वो क्या होती है कि कोई भी चीज़ अगर गर्म है
तो वो अपने आसपास वाली चीज़ जो भी उससे कांटेक्ट में या टच में आएगी उसको गर्म करना शुरू कर देगी। एक तो मिसाल ये हो गई कि ये हीट की नेचर होती है। दूसरी आप ये समझ लो कि हीट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो जो कि मुख्तलिफ चीज़ों के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। अगर आग के ऊपर आप अपना हाथ लेकर जाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो एटम्स हैं उनके उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी और आपकी बॉडी जो है जलना शुरू हो जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ा देगी। तो बेसिकली जलाना जो है, मुख्तलिफ बॉडीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना जो है, ये हीट की नेचर है। तो आई होप नेचर ऑफ हीट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र हीट किस किस तरह से मूव करती है, तो तीन तरीके आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं कि कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएटर यानी रेडिएशंस। इन तीन तरह से हीट एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। बाकी आगे जाके चैप्टर में आप लोगों को ये पता चलेगा कि किस किस तरह से इन तीन तरीकों के अंदर हीट कैसे मूव करती है, लेकिन मुख्तसरन हीट इन तीन तरह से मूव करती है। और साथ में हीट का इफ़ेक्ट्स वो तो आप लोगों को पता चल गया कि हीट किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ा देती है, उसकी शक्ल चेंज कर देती है। जैसे एक इंसान को, जैसे हिंदू लोग जो हैं वो आग लगाते हैं जब बॉडी को, तो वो बॉडी जो है बिल्कुल उसका असर क्या होता है बॉडी के ऊपर हीट का, कि वो बिल्कुल उसे राख के अंदर, ऐश के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ठीक इसी तरह कागज़ को भी वो ऐश के, राख के अंदर कन्वर्ट कर देती है। लोहा है, लोहा को सुर्ख करके नरम कर देती है। तो ये सारे असरात होते हैं हीट के। बाकी वक्त के साथ साथ आप लोग ये समझ जाएंगे। तो बेसिकली हीट फिजिक्स की कौन सी ब्रांच आपको पता चल गया, किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं, इफ़ेक्ट्स को, ट्रांसफॉर्मेशन को और खुद हीट को स्टडी करते हैं इस ब्रांच के अंदर। तो इसके बाद जो है हम जिस ब्रांच के बारे में बात करेंगे उसका नाम है साउंड। तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है हीट की तरह कि साउंड किसे कहते हैं। तो बेसिकली वैसे तो साउंड चैप्टर के अंदर आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कोशिश करूँ तो आप ये समझिए सादा लफ्ज़ों में, साउंड एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस किसे कहते हैं, जैसे इसके माउथ से ये जो वेव्स निकल रही है आप इन्हीं को वाइब्रेशन समझ लीजिए फिल वक्त। तो आप क्या समझेंगे साउंड किसे कहते हैं, साउंड ऐसी वाइब्रेशंस या ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो जो कि हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है और हमारे एयर या हमारे कान जो है उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को सुन पाते हैं और हमारा माइंड उसको समझ पाता है कि हमें क्या कहा जा रहा है। मिसाल के तौर पर जब मैं इस वक्त बोल रहा हूँ तो मेरे लिप्स से जो आवाज़ निकल रही है वो हवा की मौजूदगी की वजह से जो है, हवा के मॉलिक्यूल्स की वजह से वो मेरे साउंड एनर्जी जो है वो हरकत कर रही है और माइक के अंदर जाकर रिकॉर्ड हो रही है। ठीक इसी तरह मोबाइल पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल के स्पीकर से वो वाइब्रेशंस या एनर्जी रिलीज़ हो रही है, निकल रही है और मोबाइल के आसपास जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की वजह से आपके कान तक पहुँच रही है और आप उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो साउंड बेसिकली क्या हुआ, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हुआ जो कि किसी भी मीडियम या फिर कह लो कि हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाती है। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर वो ये बोल रहा है, इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स। साउंड फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं साउंड वेव्स के। तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि सर फिजिकल एस्पेक्ट क्या होता है। तो देखिए फिजिकल का मतलब ये होता है कि कोई कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, मौजूद है और हम अपने सेंसेस के थ्रू से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं फिजिकल। कि किसी भी चीज़ की मौजूदगी का होना या किसी भी चीज़ की मौजूदगी का एहसास हम उस चीज़ को बोलते हैं फिजिकल चीज़ है कि हम उसे महसूस कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो फिजिकल आई होप आप लोगों को पता चला होगा। एस्पेक्ट का मतलब होता है फीचर्स, पार्ट्स, किसी भी चीज़ के ऐसे हिस्से, ऐसी किसी भी चीज़ की ऐसी खसूसियात के जिससे उस चीज़ के बारे में हम पता चला रहे हो। मिसाल के तौर पर फिजिकल एस्पेक्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि हम किसी चीज़ के बारे में या किसी भी चीज़ को इस तरह से मुख्तलिफ रुख से बयान करें कि आपको वो चीज़ समझने में आसानी हो। जैसे किसी भी चीज़ के कलर के बारे में बता के, मिसाल के तौर पर, बल्कि एक अच्छी मिसाल मुझे मिली, आपके हाथ में अगर इस वक्त मोबाइल है तो मोबाइल के फिजिकल एस्पेक्ट क्या होंगे। मोबाइल का फिजिकल एस्पेक्ट ये है कि ये हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है। मोबाइल का की सतह जो होती है वो प्लेन होती है, मुलायम होती है। इसके ऊपर वाल ऊपर ग्लास मौजूद होता है। ठीक है, तो ये सारे फिजिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ। मोबाइल जो है वो सिग्नल कैच कर सकता है, मोबाइल के अंदर लाइट होती है। तो ये होता है फिजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट मतलब किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व किया जा सके मुख्तलिफ तरह से, उसको बोलते हैं फिजिकल एस्पेक्ट। तो इसमें किस चीज़ की बात की जा रही है, साउंड वेव्स की बात की जा रही है। ये जो पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा है मुख्तलिफ किस्म की वेव्स या वाइब्रेशन
वाइब्रेशंस, ये साउंड वेव्स हैं, इन साउंड वेव्स को मुख्तलिफ तरह से ऑब्जर्व करना, मुख्तलिफ तरह से इनको डिस्कस करना फिजिकल एस्पेक्ट कहलाएगा। तो साउंड फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम साउंड वेव्स के फिजिकल एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं। देयर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, पैदा होना, कोई भी चीज़ किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है। मिसाल के तौर पर मेरी आवाज़ जो आप सुन पा रहे हैं, देखने में लगता है मेरी लिप्स से निकल रही है, लेकिन एक्चुअली में मेरी ज़ुबान, मेरे दांत, ये सब चीज़ें मेरी आवाज़ के होने की वजह बन रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड की बात करूं तो मेरे जिस्म के अंदर जो मेरे लंग्स हैं, ठीक है, वहाँ पर जो हवा का मौजूद होने, वो वजह है मेरे साउंड का। ठीक इसी तरह ये ह्यूमन वॉइस हो गई, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वॉइस, स्पीकर्स की आवाज़, तो कोई भी आवाज़ कैसे पैदा होती है वो भी हम इसी ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं। इसके अलावा किसी भी साउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि कोई भी आवाज़ की प्रॉपर्टी क्या होगी, कि कोई भी आवाज़ कम क्यों है, ज़्यादा क्यों है, उसकी मुख्तलिफ किस्म की खसूसियात, जैसे किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कलर, रंग, वो कितनी जगह घेर रही है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ कहलाता है। तो साउंड की मुख्तलिफ खसूसियात के बारे में पढ़ते हैं, और एप्लीकेशंस मतलब इस्तेमालात के साउंड को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये भी इसी ब्रांच के अंदर हम डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर जो बहरी जहाज़ या शिप होता है समंदर के ऊपर, तो वो समंदर से कितना ऊपर है, या समंदर की उस शिप के नीचे गहराई मालूम करने के लिए भी हम साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलेंगे बुक में तो आपको टॉपिक के अंदर ये टॉपिक, मुख्तलिफ टॉपिक्स में से एक ये टॉपिक होगा जिसके अंदर आप ये चीज़ पढ़ोगे जिसके बारे में अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो एक एप्लीकेशन ये हो गई कि समंदर में की गहराई मालूम करने के लिए साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक इसी तरह कोई पाइपलाइन है उसकी लीकेज का मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फासला मालूम करने के लिए साउंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किस किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है वो भी इसी ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं। तो आई होप साउंड के बारे में आपको पता चल गया होगा कि साउंड फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें ये पढ़ते हैं हम कि साउंड कैसे पैदा होता है, साउंड के खसूसियात क्या है, साउंड को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और साउंड वेव्स के फिजिकल एस्पेक्ट या मुख्तलिफ तरह से साउंड को पढ़ने को जो है वो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो अगली ब्रांच हमारे सामने है ऑप्टिक्स। अब पहला सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है पिछले ब्रांचेस की तरह कि लाइट या ऑप्टिक्स कहते किसको हैं। तो अभी मैं लाइट के बारे में डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि ये अलग से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है काफ़ी, लेकिन जर्नल आप समझें पिछले ब्रांचेस की तरह, तो जैसे साउंड और हीट एनर्जी की किस्म थी, ठीक इसी तरह लाइट भी एक एनर्जी की किस्म है जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये एक जर्नल सा इसका आइडिया हो गया, वरना आगे चलेंगे जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि बल्ब यानी कि लाइट सोर्स है, यहाँ से रोशनी बल्ब से पैदा हो रही है, तो आगे आपको पता चल रहा है ये मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आगे जाके आपको पता चलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर से उस स्पेक्ट्रम के अंदर खास वेवलेंथ वाली वेव्स होती हैं जिनको इंसानी आँख देख पाती है, उन्हीं को लाइट कहा जाता है। खैर ये आगे की बातें हैं, अभी से इन चीज़ों को आप नहीं समझ सकते। तो लेकिन जनरल आइडिया, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की किस्म है। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट। पिछली ब्रांचेस की तरह इसके अंदर भी हम क्या करते हैं कि लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट जो होते हैं उनको पढ़ते हैं कि लाइट जो है उसको किस किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइट की खास बात क्या होती है, लाइट जो जिन वेवलेंथ से मिलकर बनी है उनकी वेवलेंथ होती कितनी है, यानी फिजिकल एस्पेक्ट को अगर आपने पिछली ब्रांच के अंदर अच्छे से समझा है तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा कि लाइट की मौजूदगी को मुख्तलिफ तरह से समझने को फिजिकल एस्पेक्ट कहा जाएगा। इसके अलावा इट्स प्रॉपर्टीज़, जैसे साउंड की प्रॉपर्टी होती है, हीट की प्रॉपर्टी होती है, इसी तरह लाइट की भी प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर आप ये डिस्कस कर सकते हो कि लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। लाइट कब मूव करती है या फिर कब मुड़ जाती है, ये प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है। ठीक इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट के बारे में आप पढ़ना जो है वो भी लाइट की प्रॉपर्टी कहलाएगा। पानी के अंदर इसकी स्पीड क्यों डिफरेंट हो जाती है, पानी के अंदर जब ये ऊपर से पानी के अंदर लाइट जाती है तो क्यों मुड़ जाती है, तो ये सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाएंगी और साथ में फिजिकल एस्पेक्ट के अंदर आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें भी हम इसी ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं। वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट,
इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के इंस्ट्रूमेंट्स किसे कहते हैं? मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस को इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। जैसे कि ये आप माइक्रोस्कोप, आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है ये बंदा जो है कुछ देखने की कोशिश कर रहा है इसके थ्रू, तो ऑप्टिकल मतलब लाइट, ऑप्टिक्स का मतलब लाइट होता है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी ऐसी डिवाइसेस जिनको जिनको रोशनी की मदद से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर रोशनी नहीं होगी तो ये डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर लाइट का क्या फंक्शन होता है, लाइट किस तरह से काम करती है, ये भी इसी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे ये माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर मैग्नीफाइंग गिलास लगे होते हैं, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है ये इंसानी आँख है। तो इन गिलासेस के अंदर से रोशनी की मदद से हम छोटी सी चीज़ को बड़ा करके देख लेते हैं, तो ये इसके एक फंक्शन या वर्किंग होती है। तो इसी तरह माइक्रोस्कोप के अलावा टेलीस्कोप होती है, और भी मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस होती हैं। तो लाइट को किन किन डिवाइसेस के अंदर किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो भी आप इसी ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। तो आई होप लाइट जो है इसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा कि इस ब्रांच के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं। तो इससे अगली ब्रांच की तरफ बढ़ें तो उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो पहला सवाल यही पैदा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। तो आम जबान में अगर समझाऊं तो बिजली जो है, जो बिजली का वर्ड है उसे बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी, तो बिजली को इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। लेकिन अगर साइंस के टर्म में पढ़ाऊँ तो डेफिनेशन के अंदर से इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। कि इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं कि चार्जेस के रेस्ट होने को और मूव करने को या हरकत करने को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके माइंड में सवाल पैदा होगा कि चार्जेस किसे कहते हैं, तो चार्जेस से मुराद यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है। मिसाल के तौर पर मैं कोशिश करता हूँ समझाने की आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। जितनी भी बॉडीज़ आपके आसपास हैं, जो भी आपको नज़र आ रही हैं, उन सब की एक प्रॉपर्टी होती है कि उन सब बॉडीज़ के अंदर चार्ज होता है। ठीक है, कुछ चीज़ों में चार्ज होता है, अब अगर डिटेल में जाऊँ तो कुछ चीज़ों में नहीं भी होता। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपके आसपास ऐसी होती हैं, ऐसा कर लेते हैं इसमें कि कुछ चीज़ें आपके आसपास ऐसी होती हैं जिनके अंदर चार्जेस होते हैं। कैसे पता चला चार्जेस होते हैं? जैसे ही आप उसको, जैसे मिसाल के तौर पर आप ये समझिए कि ये एक तार का टुकड़ा है। ठीक है, तार के ऊपर प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक के अंदर कोई मेटल होता है। ठीक है, तो जैसे तार को इधर बैटरी के साथ हम जोड़ेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि बैटरी के साथ जोड़ते ही तो उस तार के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज, जो मैं बात कर रहा हूँ, हर चीज़ के अंदर, बल्कि हर नहीं कुछ चीज़ों के अंदर चार्जेस होता है, तो वो चार्जेस मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही इस बैटरी के साथ तार को जोड़ा तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज थे इन्होंने फ्लो करना शुरू कर दिया, इन्होंने हरकत करना शुरू कर दिया। ठीक है, नीचे से सॉरी हरकत कर रहे हैं, यहाँ से आप देखें इधर से जैसे जोड़ा तो इधर से ये हरकत करना शुरू किया, और जैसे ही हरकत करते करते बल्ब के पास से गुजरे तो बल्ब रोशन हो गया, और इधर से फिर दोबारा वापस इधर बैटरी में आ गया। तो डिटेल में समझेंगे तो ये टॉपिक समझ में आएगा, लेकिन सादा लफ्ज़ों में ये कि हर कह रहा हूँ कि ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर जो होता है चार्ज होता है, और उसी चीज़ों के ऊपर चार्ज होने को बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज, और वो चार्ज रेस्ट हालत में भी होते हैं और वो चार्ज जो हैं वो हरकत भी करते हैं। तो कब वो रेस्ट हालत में होते हैं, कब वो हरकत करते हैं, इसी को स्टडी करने को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो बेसिकली जो बिजली होता है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसको तीन लफ्ज़ों में बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्जेस की हरकत को ही बिजली या इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो पहली लाइन तो आई होप क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। आगे क्या कहते हैं, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। और साथ में इस ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म के साथ इसका रिलेशनशिप और इसके असर क्या होता है मैग्नेटिज्म के ऊपर। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं। उर्दू में मैग्नेटिज्म का मतलब होता है मकनातीसियत। तो मकनातीसियत से कुछ चीज़ें तो समझ में आ गई होगी कि मैग्नेटिज्म का मतलब ये होता है कि एक ऐसी फोर्स जो किसी भी चीज़ को पुश कर सकती है, पुल कर सकती है। मिसाल के तौर पे कोई भी मकनातीस होता है, उसके साथ कोई भी लोहा लेकर आए तो या तो वो उसको खींचेगा या फिर उसको दूर करेगा। तो बेसिकली यही मैग्नेटिज्म होता है। अगर थोड़ी डिटेल से बताने की कोशिश करूँ तो मिसाल के तौर पे ये एक तार है, इस तार के अंदर से जैसे इलेक्ट्रिक करंट यानी कि चार्जेस गुजरना शुरू हुए तो बदले में क्या हुआ, ये रिंग्स जो पिंक कलर के नज़र आ रहे हैं ये पैदा हो गए, जिन्हें क्या बोला जाता है, मैग्नेटिज्म। तो जब भी किसी चीज़ के अंदर से चार्जेस फ्लो करते हैं तो बदले में वहाँ पे कुछ मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में गहरा ताल्लुक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काफ़ी कुछ प्रोड्यूस करते हैं, काफ़ी कुछ काम करते हैं जो कि आप
आने वाली अपकमिंग फिजिक्स के अंदर जो है पढ़ पाओगे। तो बेसिकली सादा लफ्ज़ों में बताऊँ तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के आपसी ताल्लुक और इनके ताल्लुक से जो असर पैदा होता है उसको हम पढ़ते हैं, और साथ में हर चीज़ ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो कब हरकत करते हैं कब नहीं करते, हरकत करने को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, तो इन फ्लो ऑफ चार्जेस के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस ब्रांच का, तो आई होप यही भी समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो अगली ब्रांच जिसका नाम है एटॉमिक फिजिक्स, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि इस ब्रांच के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एटम के बारे में पढ़ते हैं। एटम किसे कहते हैं, आई होप आप लोगों को पता होगा कि इस यूनिवर्स में जो सबसे छोटा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता उसी को बोलते हैं एटम। तो बेसिकली पढ़ लेते हैं इसको एक बार, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स, कि जितने भी एटम्स हैं उनके प्रॉपर्टीज़ और उनके स्ट्रक्चर को इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं। मिसाल के स्ट्रक्चर से मिसाल ये हो गया कि जैसे एटम जो होता है उसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, दो पार्टिकल होते हैं जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इनके बाहर शेल होते हैं और इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसको स्टडी करते हैं और इन मुख्तलिफ किस्म के एटम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है ये हम डिस्कस करते हैं। तो आई होप ज़्यादा चीज़ तो इसमें बताने वाली है नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली ब्रांच की तरफ चलें तो अगली ब्रांच है न्यूक्लियर फिज़िक्स, ये भी नाम से ही पता चल रहा है हमें, जैसे एटॉमिक फिज़िक्स में एटम का जिक्र करते थे इसी तरह न्यूक्लियर फिज़िक्स में न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ते हैं, एटम का न्यूक्लियस पढ़ते हैं एक बार इसको। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई किसे कहते हैं, यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है। याद रखिएगा एक न्यूक्लियस की बात करेंगे तो उसको न्यूक्लियस कहेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जैसे 5, 8, 10 या जितने भी हों, प्लूरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस जो होता है उसे न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम न्यूक्लियाई के बिहेवियर यानी काफ़ी सारे न्यूक्लियसिस के बिहेवियर और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी बेसिकली एटॉमिक फिजिक्स के अंदर पूरे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर सिर्फ न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ते हैं या न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप कौन से पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पे आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो किन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कब वो प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं कब न्यूट्रॉन, यानी इस किस्म की मालूमात जो है हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, बेसिकली बिलोंग कर रहे हैं न्यूक्लियस के साथ। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अगली ब्रांच की बात करूँ तो प्लाज्मा फिजिक्स, तो प्लाज्मा किसे कहते हैं, पहला सवाल यही पैदा होता है। तो आप लोगों को स्टेट्स पता होंगी कि सॉलिड की कि मैटर की स्टेट्स कौन कौन सी होती है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है, इसी तरह एक और स्टेट होती है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। इस स्टेट की खास बात क्या होती है कि मैटर जैसे लिक्विड के अंदर जो है वो फ्लो कर सकता है, बह सकता है, गैस के अंदर वो नज़र नहीं आता, इधर उधर मूव करता है, इसी तरह प्लाज्मा के अंदर मैटर जो होता है वो आयंस की हालत में पाया जाता है। आयन किसे कहते हैं, किसी भी एटम से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसे आयन बोलते हैं। तो जितना मैटर होता है प्लाज्मा फॉर्म के अंदर वो आयोनिक स्टेट के अंदर होता है। तो इसी स्टेट को डिस्कस किया जाता है फिजिक्स की इस ब्रांच के अंदर जिसका नाम है प्लाज्मा फिजिक्स। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि प्रोडक्शन मतलब बनना, कि ये स्टेट ऑफ मैटर कैसे बनती है ये हम इसके अंदर पढ़ते हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, और इसी को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। तो आई होप ये ब्रांच भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो लास्ट में हमारे पास है जियोफिजिक्स, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जो ज़मीन जिसके ऊपर हम रहते हैं इसके इंटरनल मतलब अंदरूनी स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे इसके सबसे ऊपर सर्फेस जिस पर हम रहते हैं उसके नीचे क्या मौजूद होता है, क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल, उसके नीचे आउटर कोर, उसके नीचे इनर कोर, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, उसको बोलते हैं जियोफिजिक्स। तो फाइनली ये लास्ट ब्रांच थी। अब आई होप आप लोगों को ये तमाम ब्रांचेस जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। फाइनली जाने से पहले यही बोलूँगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं मैथ, इंग्लिश या साइंस से रिलेट वीडियोस इस तरह की मिलती रहें आपको, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जाने से पहले यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।